अब फाइनली जब इतनी मेहनत के बाद में आपने क्लियर किया है तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है मैम। इससे पहले आपके कोर्स से पहले जब मैंने 3 4 अटेम्प्ट दिए हो गए, हर बार ऐसा लग रहा था कि एग्जाम पता नहीं कहाँ से आता है और हमारी पहुंच से बहुत परे है, लेकिन आपके कोर्स लेने के बाद नोट्स बनाए, अच्छे से पढ़ाई की, तब लगा कि नहीं इतना मतलब सिलेबस वाइड है पर पहुंच से परे नहीं है। तो मैंने मैम नोट्स बनाए, रिवाइज किया, लिख लिख के रखा, बहुत मेहनत की। और जब पहली बार एग्जाम क्लियर हुआ था बहुत बहुत ज्यादा खुश हुई थी मैम कि मैंने ये सोचा था और इतने अटेम्प्ट दिए और क्लियर हुआ। और उसके वो बाद तो मैम अगर है, मैं सही थोड़ा बात। थोड़ा बहुत भी पढ़ता हूँ तो एग्जाम क्लियर हो ही जाता है मैम। मैंने जैसे बताया मेरा 5वीं बार की बार यूजीसी नेट क्लियर हुआ है। जो मेरे दोस्त मेरे क्लासमेट थे मेरे बैचमेट थे वो भी पूछते हैं, मैं हर बार यही कहता हूँ कि मैंने वहां से कोर्स लिया, पिता मैम से कोर्स लिया था, और अगर आपको ये लगता है कि मेरी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है तो आपको उसी कोर्स पे जाना चाहिए, बाकी कोर्स मैंने लिए भी नहीं है ना, मुझे पता है और ना मैं एडवाइज कर सकता हूँ। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून नरेश। यस, आई कैन हियर यू नाउ। यस मैम, हार्टियस कांग्रेचुलेशंस नरेश ऑन थैंक यू क्लियरिंग मैम, नेट। थैंक यू मैम। हाउ आर यू फीलिंग? मैम एक्चुअली इट्स माय फाइव टाइम आई क्लियर हाँ, नेट। आई जॉइंड योर कोर्स इन जून 2019 एंड आफ्टर दैट आई क्लियर द एग्जाम 5 टाइम। ओके। बट तो ऐसा आई ऑल क्या मतलब अब फाइनली जब इतनी मेहनत के बाद में आपने क्लियर किया है तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है मैम। इससे पहले आपके कोर्स से पहले जब मैंने 3 4 अटेम्प्ट दिए हो गए, हर बार ऐसा लग रहा था कि एग्जाम पता नहीं कहाँ से आता है और हमारी पहुंच से बहुत परे है, लेकिन आपके कोर्स लेने के बाद नोट्स बनाए, अच्छे से पढ़ाई की, तब लगा कि नहीं इतना मतलब सिलेबस वाइड है पर पहुंच से परे नहीं है। तो मैंने मैम नोट्स बनाए, रिवाइज किया, लिख लिख के रखा, बहुत मेहनत की। और जब पहली बार एग्जाम क्लियर हुआ था बहुत बहुत ज्यादा खुश हुई थी मैम कि मैंने ये सोचा था और इतने अटेम्प्ट दिए और क्लियर हुआ। और उसके वो बाद तो मैम अगर है, मैं सही थोड़ा बात। थोड़ा बहुत भी पढ़ता हूँ तो एग्जाम क्लियर हो ही जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब इतनी बार आपने फेलियर एक्सपीरियंस किया था तो कैसे मोटिवेशन वापस लाए और वापस फिर यूजीसी नेट की तैयारी करी आपने? मैम मैंने किसी और ऑप्शन की तरफ ध्यान ही नहीं दिया, बस नेट और पीएचडी और असिस्टेंट प्रोफेसर ही दिमाग में था किसकी एलिजिबिलिटी बनानी है, और उसके बाद इसी के थ्रू मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर इसी लाइन में जाना है, और लाइन मैम सोची ही नहीं, इसलिए मोटिवेट अपने आप मिलता था, कहीं से किसी की मोटिवेशनल वीडियो देखने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। खुद की तरफ और अपने पेरेंट्स की तरफ देख लो तो मोटिवेशन मिल जाता है कि यही करना है मिल, बस। सही बात है। प्लान बी आपने कभी अपने दिमाग में रखा ही नहीं, तो आपको हमेशा से ये था कि यही करना है और इसी पे आपने फिर मेहनत लगाई अपनी पूरी। यस मैम, और जब नेट क्लियर हो गया मैम अभी एक दूसरे अलग प्लान बनाए हैं, जैसे बीएड कर लिया उसके बाद एसटेट सीटेट, अब मेरी हर तरह से एलिजिबिलिटी है मैम, टीजीटी में भी, पीजीटी में हाँ, भी, असिस्टेंट प्रोफेसर में भी, कॉलेज कैडेट में भी, हर तरह के। सही बात है, सही बात है। थोड़ा सा नरेश मुझे अपने बारे में बताएं, आप कहाँ से हैं, आपने कहाँ से अपनी पढ़ाई करी है, आपकी नेट की जर्नी कब आपने चालू करी, कैसा रहा? मैम मैं हरियाणा से हूँ, हरियाणा में एक डिस्ट्रिक्ट है कैथल, और कैथल में एक छोटा सा गांव है नैना, वहां से हूँ मैम। और हमारे गांव के पास एक छोटा सा शहर है पुंडरी, यहाँ से मैंने ग्रेजुएशन की डीएवी कॉलेज से, और मैंने अपनी मास्टर डिग्री की मैम कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से। यस अच्छा, मैम, ओके। और और फिर आपने नेट की तैयारी कब, कौन से साल में चालू करी? 2019 में? मैम मेरा मास्टर डिग्री का सेशन था 15 से 17, 2015 से 2017। तो ठीक है। मैम
एमए के फाइनल ईयर में मैंने अपने सीनियर्स को देखकर एक दो अटेम्प्ट देने की कोशिश करी थी, बिना पढ़े बिना समझे, पर हाँ कुछ फायदा नहीं हुआ उसका। पर एक्सपीरियंस मिला कि इस तरह के पेपर आते हैं। तब मैं तीन पेपर होते थे, लिटरेचर के दो पेपर थे और फर्स्ट पेपर तो था ही। तब सही बात है, सही मैंने एक बात। दो अटेम्प्ट दिया ऐसे ही, थोड़ा पढ़ा थोड़ा नहीं पढ़ा, किसी से कुछ गाइड मांगने हाँ की कोशिश करी, पर किसी ने कहा गाइड किया नहीं, क्योंकि उनको मतलब खुद ही थोड़ा ज्यादा पता नहीं खुद ही होता था। नहीं, तो सही मैम बात है। मैंने नेट वगैरह से यूट्यूब से देखा, एक बाय चांस मैम आपके वीडियो आ गए थे सामने, हाँ और मैंने सिर्फ आपकी एक ही वीडियो देखी थी कुछ। आप उसमें मुझे प्रॉपर याद नहीं है कोई से राइटर को आप एक्सप्लेन कर रही थी, बस मैंने आपके कोर्स उसी दिन ज्वाइन कर लिया मैम, और फिर अगले दिन से मैं नोट्स बनाना शुरू कर दिया। नोट्स बनाना चालू किया आपने, बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे आपने बताया कि आपने बैचलर्स मास्टर्स हरियाणा से ही किया है, तो आपको कितना लगता है कि कोई भी अगर फ्रेशर है, जैसे आपने भी मास्टर्स के टाइम पे यूजीसी नेट की तैयारी चालू करी थी, तो जिसने से बैचलर्स मास्टर्स में जो पढ़ा है अगर वही पढ़ा हो, तो कितना परसेंट चांस आपको लगता है कि वो यूजीसी नेट एग्जाम क्लियर कर सकता है, अगर वो कोई कोचिंग नहीं ले और वो सिर्फ बैचलर्स मास्टर्स में पढ़ाई हुई चीजों पर ही रिलाई करे तो? मैम अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो ग्रेजुएशन में तो मैम इंग्लिश का कुछ पता ही नहीं था, कुछ भी नहीं पता हाँ था। और कुछ हमारा एरिया भी ऐसा ही है, अगर हम ग्रेजुएशन में किसी से दो चार सेंटेंस भी अगर इंग्लिश में बोल देते तो बड़ा अजीब लगता था हमारा, मतलब ऐसा ही एरिया है यहाँ। और ओ मास्टर डिग्री में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में जाके थोड़ा बहुत इंग्लिश के बारे में पता लगा, और डिपेंड करता है मैम स्टूडेंट पे वो कितना सीरियस है। लेकिन ग्रेजुएशन और मास्टर ग्रेजुएशन में यूजीसी नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाया नहीं जाता, उसमें यूनिवर्सिटी का जो कोर्स है सिलेबस है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाया जाता है। और उसमें भी बच्चे की मतलब उम्र भी ऐसी ही होती है, वो इतना ध्यान देता भी नहीं है, पर कुछ सेंस अच्छे स्टूडेंट होते हैं वो ध्यान देते हैं पढ़ते हैं। पर मुझे नहीं लगता सही मैम बात बिना है, प्रॉपर गाइडेंस के यूजीसी नेट क्लियर करना आसान नहीं है, कहीं ना आसान कहीं नहीं से है बिल्कुल। गाइडेंस उसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। और आप क्योंकि एक बहुत इंडिया के एक बहुत स्मॉल टाउन से आ रहे हैं, तो आपको तो और डिफिकल्टी रही होगी, आपका तो जर्नी और मुश्किल रहा होगा, तो क्या क्या चैलेंजेस आपने फेस करे यूजीसी नेट की प्रिपरेशन में? मैंने ज्यादा चैलेंज फेस करने से पहले आपका कोर्स ज्वाइन कर लिया था, मैंने एक दो दो अच्छा अटेम्प्ट दिए होंगे बिना जानकारी के बिना मेहनत के। उसके बाद अब ज्यादा मेहनत करने की फिर मैंने जरूरत नहीं पड़ी, बाई चांस मैंने आपका अभी बताया एक्सीडेंटली आपका वीडियो देख लिया, उसके बाद मुझे ज्यादा प्रॉब्लम हुई नहीं। हाँ जो बच्चे बिना मतलब अपने आप से लगे रहते हैं वो ज्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं मैम, तो किसी से किसी के नोट्स मांग लिए, किसी से कुछ कर लिया, किसी पे 20-50 वीडियो देख ली यूट्यूब पे, वो सोचते हैं ऐसे हो जाएगा, पर ऐसे होता नहीं है। सही बात है बिल्कुल। तो और मैंने क्योंकि देखिए कम वही चैलेंज वाली फेस बात है किए, कि हाँ, क्या बोल रहे थे आप मैम बाकी की तुलना में। बाकियों की तुलना में? नहीं, लेकिन एक ऐसे जगह से आना जहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन नहीं है, आपने जैसे बताया कि आप लोगों के कॉलेज के टाइम पे इंग्लिश बोलना ही बहुत वो वैसा मतलब एक टबू माना जाता था, तो वैसे एरिया से आके यूजीसी नेट में जो ऐसे ऐसे राइटर्स को पढ़ना, जिन राइटर्स का लिखा हुआ जो आर्केइक इंग्लिश में लिखे हुए हैं उसको समझना, वो अपने आप में कम चैलेंज नहीं है नरेश। तो आई एम रियली प्राउड कि आपने हार नहीं मानी, दो अटेम्प्ट आपने पहले दिए, फिर कोर्स ज्वाइन किया, उसके बाद आपने अटेम्प्ट दिया एंड फिर आपने ठाना कि नहीं मुझे क्लियर करके ही दम लेना है। यस मैम, थैंक यू वेरी मच। जी। और ये थोड़ा सा मुझे बताएं कि जैसे आपने क्या अपना स्टडी रूटीन क्या फॉलो किया जब आप पढ़ाई कर रहे थे तो? मैम यूजीसी नेट के लिए तो बस मैम एक ही फोकस था कि यही करना है। सुबह मैम मैं लगभग 8:30 या 9 बजे लाइब्रेरी जाता था, और 5 हाँ बजे लाइब्रेरी से बाहर निकलता था, तो सिर्फ मैं यूजीसी नेट आपके कोर्स ऑडियो ही सुनता था। और रात को फिर वो जितने भी राइटर जो भी लिखा है नोट्स, वो रात को सब प्रिपरेशन करता था, याद करता था, उनको लिख के देखता था, और नेक्स्ट डे फिर वही रूटीन में 9 से 5 जितना मुझसे लिखा जाता है, जितने लेक्चर सुन सकता था, नोट्स बना सकता था बनाता था, और रात को उन्हीं को रिवाइज करता था और लिख लिख के देखता सही बात है, बहुत था। मैंने बहुत इतने बढ़िया। और इतने नोट्स बना के याद कर लिए मैम, अगर मैं जैसे 5वीं बार नेट हुआ है
छठी बार सातवीं बार जब मैं एग्जाम देने जाता हूँ तो इतना भी पढ़ता भी नहीं हूँ, एक बार देख लेता हूँ हफ्ता 10 दिन पहले और हो जाता है। सही बात है, सही बात है। और मतलब ऐसे आपने और भी कोई रिसोर्सेस को यूज किया था हम लोग, मेरी ऑनलाइन क्लासेस के अलावा? नहीं मैम, अच्छा, सिर्फ आपने इसी पे रिलाई किया, कोई बुक्स वगैरह किसी भी चीज को आपने नहीं किया? नहीं, पहले मैम 2 अटेम्प्ट दिए थे मैंने, उसमें बुक पढ़ने की कोशिश करी थी पर बेस इतना क्लियर नहीं था तो बुक मतलब ऐसे ही पढ़ता था, उसमें से ज्यादा कुछ समझ में आता नहीं था। और ये अब आपका तो इतना जो प्रिपरेशन जर्नी रहा, उसमें ऐसा भी रहा होगा कई दिन जब आपको पढ़ने का मन नहीं किया, तो आपने खुद को मोटिवेट कैसे किया, पुश कैसे किया कि नहीं मुझे पढ़ना है? नहीं मैम, ऐसा कोई दिन आया ही नहीं कि जब मेरा पढ़ने का मन नहीं किया हो। शुरू शुरू में अच्छा, मुझे ऐसे कंपल्सरी सा लगता था कि बस यही करना है यही करना है, अब जैसे जैसे नॉवल पोएम स्टोरी पढ़ता गया मैं बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता गया, तो शायद ही कोई ऐसा दिन गया होगा कि जब मेरा पढ़ने का मन नहीं करा। मन नहीं किया, सही बात है। और आपके इनिशियल थॉट्स क्या थे जब आपने पहली बार यूजीसी नेट का सिलेबस देखा था, तब आपने मतलब आपको क्या लगा था सिलेबस देख के, कैसा फील हुआ था, क्या सोचा था आपने कि अब आप आगे किस तरह से सिलेबस को प्रिपेयर करेंगे? मैम सिलेबस को देखकर तो ये लगता था कि इतना वाइड सिलेबस है और ये हमारे बस की बात नहीं है, सिलेबस ही इतना ज्यादा वाइड है लिटरेचर का तो। लेकिन फिर मैंने जैसे बताया मैंने कभी प्लान प्लान भी रखा ही नहीं था, तो ये आसान है, इजी है, होगा नहीं होगा पर करना यही है। सही बात, सही बात है। वो जो एक जो जज्बा, जो जुनून आदमी के अंदर होता है, जिसमें वो ठान लेता है कि बस यही मैं करके दम लूंगा, तो वो बोलते हैं ना पूरी कायनात फिर आपको आपके उस मंजिल तक ले जाने के लिए लग जाती है। हाँ मैम, शायद ये बात सही होगी। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी आपकी स्टोरी जान के तो मुझे बिल्कुल यही लगता है कि ये बात 100% सही होगी। आपने पेपर वन को कैसे प्लान किया ये बताएं आप। पेपर वन में मैम ज्यादा मुश्किल नहीं आई, उसमें से मेरे रीजनिंग मैथ अच्छा है, कॉम्प्रिहेंसिव भी मैं अच्छा कर लेता हूँ और डीआई भी बहुत अच्छा कर ही लेता हूँ, और टीचिंग एप्टीट्यूड है मैम, कम्युनिकेशन है, ये मैंने जो डीआईड की थी थोड़ी थोड़ी उससे हेल्प मिल गई, और बाकी मैंने YouTube वगैरह से बुक से प्रैक्टिस सेट किए पुराने पेपर, और जब एक बार मेरा नेट एग्जाम क्लियर हो चुका था उसके बाद मैंने मैम आपकी साइट से जो UGC नेट के सेकंड पेपर है, सेकंड पेपर के जो भी 10 15 20 साल के वो सब निकलवा के पढ़ लिए मैंने वो, और मेरे ख्याल से मैंने 10 20 बार पढ़ लिए होंगे वो, और फर्स्ट पेपर भी ऐसे पढ़ लिया। तो पास्ट ईयर अगर पेपर की आपको मतलब आप ये बोलना चाह रहे हैं कि पास्ट ईयर पेपर की बहुत अच्छा योगदान आपके उसमें रहा, नेट की प्रिपरेशन में? यस मैम, जो भी एग्जाम देता हूँ मुझे ऐसा लगता है प्रीवियस ईयर पेपर बहुत जरूरी है, जो हमने पढ़ लिया है समझ लिया है उसमें से किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं वो प्रीवियस पेपर ही बता सकते हैं। प्रीवियस पेपर में मैंने इतने पढ़ लिए थे, अगर अगर जब मैं एग्जाम में बैठा हूँ अगर मुझे क्वेश्चन नहीं आ रहा लेकिन फिर भी मेरा माइंड कह रहा है कि ये क्वेश्चन ये इसका ये आंसर होगा, अब मुझे नहीं पता वो कैसे है पर शायद वो प्रीवियस पेपर पढ़ के ही ऐसा हुआ हो, उसका लॉजिक तो नहीं लगा पा रहा कि ये जवाब सही क्यों है पर मेरा मन कहता है कि ये ठीक है, और वो ज्यादातर चांस ऐसे होते हैं कि वो ठीक होता है। होता है, सही बात है, सही बात है। प्रीवियस ईयर पेपर का तो अपना एक बहुत बड़ा योगदान है ही। और यस मैम, आपने जैसे बताया कि आपने एक बार अटेम्प्ट, दो बार नेट का तब मेरे को ज्वाइन करने से पहले भी दिया था, तो उन अटेम्प्ट में और जब आपने कोर्स से पढ़ाई करी उसके बाद में आपको क्या डिफरेंस लगा? क्या मतलब जब आप पेपर देने गए तो आपको क्या लगा कि पिछली बार से आप कैसा परफॉर्म कर पाए, बेटर कर पाए, अच्छा नहीं कर पाए, क्या चीजें आपको फील हुई? पहले 2 अटेम्प्ट तो मैंने बिना किसी स्ट्रेटजी के बिना प्लान के बिना पढ़ा तो बहुत था मैम मैंने, लेकिन बेफिजूल तरीके से पढ़ा था, कभी कुछ पढ़ लिया कभी कुछ पढ़ लिया, और जब एग्जाम में बैठता था उसमें से लगता था कि 2 4 क्वेश्चन ऐसे पढ़े ये पढ़े हुए हैं और बाकी ऐसे लगता था पता नहीं कहाँ से आ गए, और कोर्स के बाद एग्जाम में बैठे बैठे ये तो फील नहीं हुआ कि एग्जाम हो जाएगा, पर ये था कि अब की बार पहले से बेटर परफॉर्मेंस है क्योंकि ऐसा लग रहा था कि ये भी आता है ये भी आता है, मोस्टली क्वेश्चन ऐसे फील हो रहा था कि ये पढ़े हुए हैं, पास तो मैम रिजल्ट के बाद ही पता लगा था कि पास हो गया, एग्जाम में बैठे हाँ बैठे हाँ तो ये लग रहा था कि हाँ अब की बार शायद बहुत अच्छा है, ये है कि क्वेश्चन लग रहा है कि भाई हाँ अपने आसपास के हैं अपने रेंज के हैं। सही बात है। और इसमें आपने किस तरीके से पढ़ाई करी, जैसे एग्जाम के लास्ट फ्यू वीक्स में आपने क्या किया?
कि अगर हम मानते हैं कि 6 दिसंबर को पेपर है था, तो आपने नवंबर 15 तारीख से किस तरह से प्रिपरेशन करी अपनी? जो नोट्स बना लिए थे उसको ही रिवाइज किया। जब लग गया कि और नोट्स बनाऊंगा और वो दिमाग से बाहर हो जाएंगे, मेरी कैपेसिटी से बाहर हो जाएंगे, तब मैंने मैम नोट्स बनाना बंद कर दिया था। उन जो लिखा हुआ था, नोट्स बना चुका था, उनको रिवाइज किया, जितना हो सके उनको रिवाइज किया था। बहुत बहुत बढ़िया। मतलब रिवीजन आपके हिसाब से लास्ट में बहुत हेल्प करता है। यस मैम, अगर साथ साथ में रिवाइज हम कर रहे हैं तो लास्ट में रिवाइज करने में बहुत आसानी होती है, और मैं साथ साथ रेगुलर रिवाइज करता रिवीजन ही भी था उतना ही मैम। इम्पोर्टेंट है जितना लास्ट के दिनों में रिवाइज करना है, क्योंकि अगर आपने रेगुलर में रिवाइज नहीं किया तो लास्ट में कुछ याद रहेगा ही नहीं। यस मैम, साथ साथ रिवाइज करते रहे। अगर जब एग्जाम के टाइम कई बार कई चीजें ऐसी होती हैं, कई पॉइंट वो सबकॉन्शियस माइंड में चले जाते हैं, और जब एग्जाम नजदीक होता है अगर वो दोबारा दोबारा रिवाइज कर ले हो तो कॉन्शियस माइंड में बहुत जल्दी आ जाते हैं, मुझे जल्दी ऐसा आ जाता लगता है। है। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और आपका एग्जाम में आपने कैसे टाइम मैनेज किया? मतलब आपने किस तरीके से 3 घंटे के में सॉल्व किया? क्या आपने सारे क्वेश्चन सीक्वेंस में सॉल्व करे, या आपने कोई पहले पहले कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया? मैं फर्स्ट पेपर में तो डीआई और पैसेज को छोड़कर सब क्वेश्चन सीक्वेंस में ही किए, और ठीक है। सेकंड पेपर में भी कई बार पैसेज जो आता है सेकंड पेपर में उसको भी लास्ट में करता हूँ मैं, बाकी सब क्वेश्चन सीक्वेंस में करता हूँ, और मुझे कभी सीक्वेंस टाइम की में। प्रॉब्लम नहीं हुई, अच्छा, कभी भी ऐसा नहीं लगा कि पेपर छूट रहा है? क्योंकि कभी नहीं लगा आपका मैम। तो मैथमेटिकल रीजनिंग और लॉजिकल रीजनिंग स्ट्रांग भी था ना, उसका भी एक बहुत बेनिफिट मिल जाता है टाइम मैनेज हाँ करने मैम में। शायद, और अब आप क्या एडवाइस मैं पूछना चाहूंगी लास्ट में आप देना चाहेंगे वो सारे स्टूडेंट्स को जो कहीं ना कहीं आप जैसे पहले स्ट्रगल कर रहे थे यूजीसी नेट की तैयारी में, वो आज अगर स्ट्रगल कर रहे हैं, तो आप क्या बोलना चाहेंगे उन सबसे? मैम मैंने जैसे बताया मेरा 5वीं बार के बाद यूजीसी नेट क्लियर हुआ है। जो मेरे दोस्त, मेरे क्लासमेट थे, मेरे बैचमेट थे, वो भी पूछते हैं, मैं हर बार यही कहता हूँ कि मैंने वहां से कोर्स लिया, अर्पिता मैम से कोर्स लिया था, और अगर आपको ये लगता है कि मेरी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है तो आपको उसी कोर्स पे जाना चाहिए। बाकी कोर्स मैंने लिए भी नहीं है, ना मुझे पता है, ना मैं एडवाइज कर सकता हूँ। जो मैंने किया वो बता सकता हूँ, और उसका रिजल्ट क्या है वो मेरी परफॉर्मेंस से पता लग सकता है। जी तो मैं जी सब स्टूडेंट से ही कहना चाहूंगा जो अभी कंफ्यूज में है, क्या करें क्या ना करें, कहाँ से कोर्स ले कहाँ से ना करें, तो मैं सबको कहना चाहूंगा कि arpitakarwa.com पर जाएं और अपना कोर्स परचेज करें, जी जी इससे बहुत थैंक बहुत यू ज्यादा सो हेल्प मच। मिलेगी। मतलब मुझे बहुत बहुत अच्छा लग रहा है ये चीज सुन के कि आपको हम लोगों के कोर्स पे इतना भरोसा है, और कहीं ना कहीं हमारे कोर्स ने आपकी पूरी प्रिपरेशन जर्नी में आपकी मदद करी है, जिस वजह से आप ये यस भरोसा मैम, कर पाए हैं। लेकिन इन सबसे ज्यादा जिस चीज पे मुझे प्राउड है वो ये है कि आपने कैसे, मतलब एक ऐसी जगह से आते हुए जहाँ पे कोई रिसोर्सेज नहीं है, और एक ऐसे बैकग्राउंड से आते हुए जहाँ पे बहुत अच्छे टीचर्स आप लोगों के नहीं रहे, उसके बावजूद आपने इंग्लिश लिटरेचर जितने चैलेंजिंग एग्जाम के लिए कमर कस के प्रिपरेशन करी, सुबह लाइब्रेरी जाना, शाम तक पढ़ना, इतने डेडिकेशन से कंसिस्टेंटली पढ़ना, ये बहुत ही अमेजिंग सी क्वालिटी है। एंड आई रियली होप कि इस क्वालिटी के साथ आप आगे लाइफ में और बहुत कुछ अचीव करें, और थैंक यू आप मैम। इसी तरह अपने फैमिली को और इस पूरे देश को प्राउड फील कराएं। एंड थैंक यू आई वेरी मच। रियली रियली विश यू ऑल द वेरी बेस्ट आपके थैंक यू पूरे मैम। करियर पाथ के लिए। एंड आई विल प्रे टू गॉड कि आपको ऐसे ही सक्सेस एक के बाद एक मिलती जाए। थैंक यू मैम। थैंक यू वेरी मच। कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन, एंड आपके पेरेंट्स को भी मेरी तरफ से रिगार्ड्स पास करिएगा, उनको भी कॉन्ग्रेचुलेट करिएगा आपकी इतनी बड़ी खुशी के बाद। थैंक यू वेरी मच। जी, थैंक यू थैंक सो मच फॉर शेयरिंग यू मैम। वैल्यूएबल इनसाइट्स विद अस। थैंक यू, थैंक थैंक यू मैम। यू, थैंक यू।